गेको का बढ़िया बर्फीला प्लान। हाँ, ये क्या है? बर्फ? पर अभी तो गर्मियाँ चल रही हैं। इतनी सारी बर्फ? वाह! बहुत मजा आ गया। यहाँ हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। पर यहाँ सब लोग फिसल रहे हैं। पर सिर्फ सड़क शुरू होने तक, आगे तो सब कुछ ठीक है। ये चल क्या रहा है? आज रात पता करते हैं। पीजे मास्क हम आ रहे हैं। रातों रात दिन को बचाने। लो हो गई रात और एक बहादुर हीरोज की टोली आ रही है बुरे विलन्स को आपका दिन बिगाड़ने से रोकने के लिए। जिसकी है तेज दौड़, रोके ना कोई मोड़, वो है कैटबॉय। जिसकी है उल्लू की नजर, फिर भी दुनिया बेखबर, वो है जिसके टोले हर जगह मचाए शोले, वो है गेको। हम है पीजे मास। गेको मोबाइल कहीं पर भी चिपक सकता है, बर्फ में वही ठीक रहेगा। क्यों ना हम गेको? चलो आउल ग्लाइडर ले जाते हैं, हम ऊपर से सब देख सकते हैं। सही सोचा आउलेट। पर मैंने सोचा गेको मोबाइल से हम नहीं, शायद वो सही है। चलो ना गेको, दिन को बचाना है। बुरा हाल है, लगभग आधा शहर बर्फ बन गया है। बेचारे डॉगी और बिल्ली ठंड से कांप रहे हैं। वो। वो क्या है? उल्लू की नजर। वहाँ देखो, रोमियो की लैब। कितना मजा आ रहा है। मैं जानता था ये रोमियो का ही काम है। दोस्तों वो क्या है सामने की तरफ? वो एक बर्फ बनाने वाली मशीन लग रही है, उसका पीछा करो आउलेट। मैं सोच ही रहा था कि अब तक भोले भाले पीजे मास्क आए कैसे नहीं। तुम क्या कर रहे हो रोमियो? मैं दिखता नहीं है क्या? मैं शहर को एक बर्फीली सवारी में बदल रहा हूँ, मेरे नए लैब के स्लेज के लिए, मेरी स्लेज लैब। पकड़ ही लिया है। अगर तुम्हें सवारी ही करनी है रोमियो, तो मैं मेरे धासु डोले इस्तेमाल करके तुम्हारी लैब को धक्का मार सकता हूँ। ये सिर्फ मजे के लिए नहीं है, जबकि मजा तो आ रहा है। तुम दिन के बच्चे जब शहर में यहाँ वहाँ फिसलते रहोगे, तब मैं पूरी दुनिया पे कब्जा करूँगा। रोमियो पूरी दुनिया पे कब्जा कर रहा है? हाँ, ये सीधा है। ये हो क्या रहा है? इसमें से नहीं जा सकते, हमें उतरना होगा। इससे पहले कि वो किसी और को बर्फ बना दे, उसे रोकना होगा। मैं फिसल रही हूँ। शुक्रिया गेको। सुनो, शायद मैं रोमियो को पकड़ सकता हूँ। मेरे पैर चिपकते हैं। रुक जाओ गेको। मेरे पास एक प्लान है जो जरूर काम करेगा। पर मेरे चिपकने वाले प्लान से तो पर मुझे मदद लगेगी। आउल ग्लाइडर के अंदर चलो। ये बाद में भी कर सकते हैं। आउलेट, रोमियो को ढूंढने के लिए तुम्हारी उल्लू की नजर चाहिए और फिर तुम्हारी उड़ान, जिससे वो मुझे और गेको को ना देख पाए। उल्लू की नजर। हो रहा वहाँ। ओहो!
अच्छा गेको, अब मैं लैब पर नीचे से चढ़ने वाला हूँ, तुम ऊपर से आ जाना और फिर रोमियो को पता चलने से पहले हम लैब के कंट्रोल ले लेंगे। बिल्ली की छलांग, बचाए धमाल। हवा की वजह से होगा। बॉय बर्फीले पाइप पर एक चीते की तरह चढ़ता है और फिर उसके ढांसू वो और उसके ढांसू कैट बॉय हार नहीं मानता। तुम बहुत तेज लगा देते हो। बेचारी बिल्ली, अब मेरी स्लेट लैब से दूर हटा। कैट बॉय संभल के। ये बहुत ठंडा है, मैं हिल नहीं सकता। मुझे इसमें से निकालो रोमियो। आउलेट, मुझे लगता है मैं रोमियो को रोक सकता हूँ। देखो, अभी नहीं गेको, वापस आओ। कैट बॉय, अब हम क्या करें? मेरी फिक्र मत करो, रोमियो भाग रहा है, जल्दी उसे रोको। तेज नहीं भाग सकते है ना पीजे मास्क। ओह, हम सुपर हीरोज होंगे, पर इस वक्त कैट बॉय बर्फ का गोला बन गया है। अब हम दोनों को प्लान बनाना होगा गेको, और जल्दी। वही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अरे हाँ, मैं जानती हूँ क्या करना है, पर तुम्हारी मदद लगेगी। पर मेरे प्लान से मैं उसे हरा। ठीक है, बताओ मैं क्या करूँ। ये अच्छा है। तो सुनो, मैं ये लैब को बांधती हूँ और तुम तुम्हारे ढांसू डोले इस्तेमाल करके इसे रोक लो। ठीक है, पर फिर हम बर्फ बनाने वाली मशीन का कंट्रोल ले लेंगे। जाओ गेको। रुको। तुम्हें लगा तुम मुझ जैसे अकलमंद को हरा सकती हो चिड़िया? वक्त आ गया है धासु चिपकली की चपेट। अब तुम दोनों मेरा प्लान सुनोगे। तुम दोनों को बस इतना करना है, रोमियो का बर्फीला रास्ता जितना हो सके तोड़ना है। तो क्या तोड़ फोड़ के लिए तैयार हो? हे, शायद गेको का प्लान काम करेगा। चलो थोड़ी बर्फ तोड़ते हैं। वो बर्फ के गोले मेरी सुंदर सवारी को तोड़ रहे हैं। अब मैं सिर्फ एक ही तरफ जा सकता हूँ। अब मैं रोमियो को बताऊंगा कि बर्फ पे कैसे चलते हैं। ठासू चिपकली की चपेट। हेलो रोमियो, मेरी ठासू चिपकली की चपेट से मैं बर्फ पर तुमसे बेहतर चल सकता हूँ। नामुमकिन, मेरी स्लेट लैब एक अकलमंद ने बनाई है, वो मैं हूँ, इसलिए तुम जैसी छोटी मोटी चिपकलियाँ उसका मुकाबला नहीं कर सकती। चलो देखते हैं। जाओ गेको। आओ मुझे पकड़ो। गेको के डोले सबको धोले। तुम्हें पकड़ लिया रोमियो। अब तुम्हें पिघलाने का वक्त आ गया है पीजे मास्क।
से। बहुत अच्छे गेको, तुम्हारा प्लान तो जबरदस्त था। हाँ, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारा प्लान सुना ही नहीं। नहीं, ये मेरी ही गलती है। जब कोई आइडिया आए तो मुझे साफ साफ बता देना चाहिए। कहाँ हो तुम लोग? लगता है रोमियो वाकई बुरी तरह से जम गया है। ना समझ पीछे मास, तुम्हें हमेशा मजा बिगाड़ना ही आता है। वैसे अब भी काफी बर्फ बाकी है, पर अगर कोई उसे सुबह तक पिघला सकता है तो वो हम हैं। पीजे मास्क मिलाओ हाथ, क्योंकि दिन को बचाया हमने रातों रात। आज बर्फ नहीं है तो क्या हम पार्क में चले? क्यों ना हम साइकिल चलाएं? पर अगर हम पार्क में जाते हैं? दरअसल मेरे पास एक प्लान है, क्यों ना हम वाटर पार्क चले। क्या आइडिया है, चलो चले। अरे शायद कुछ बर्फ छूट गई मुझसे।